महाराष्ट्र पहुंचकर राहुल गांधी ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो कांग्रेस पार्टी वाले और भारत जोड़ो यात्रा का सोशल मीडिया अकाउंट ही बता पाएगा, लेकिन ये सब बता पाएंगे कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र पहुंचकर क्या कहा। जिस तरह से बीच सभा में बैठकर राहुल गांधी ने वीर सावरकर के नाम का पेपर दिखाकर उनका घोर अपमान किया है ना, उससे सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ वाली उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी खासी नाराज थी। हालांकि संजय राउत को राहुल गांधी के एक फोन से मामला रफा दफा हो गया, लेकिन बीजेपी ऐसे कहां छोड़ने वाली, बीजेपी कहां राहुल गांधी को हल्के में छोड़ने वाली। जिस तरह से वीर सावरकर का राहुल गांधी ने अपमान किया है उस पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को सीख दी है। जी, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को सलाह दी है, उन्हें वीर सावरकर की अहमियत समझाई है। पहले तो गृह मंत्री ने राहुल गांधी की तरफ से की गई बयानबाजी पर दुख जताया, फिर उन्होंने कहा, एक प्रखर देशभक्त के लिए इस प्रकार के विचार और बयान शोभा नहीं देते। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के अलावा कोई विचार नहीं किया, अपार यातनाओं को उन्होंने सहन किया। अंग्रेजों ने अगर किसी की पुस्तक को सबसे पहले प्रतिबंधित किया तो वो वीर सावरकर थे। वीर सावरकर की 1857 स्वतंत्र समर बुक को प्रतिबंधित किया गया था। इस प्रकार के विचार प्रकट ही नहीं होने चाहिए जिनका कोई आधार ना हो। अमित शाह यही नहीं रुके, आगे उन्होंने और विस्तार से वीर सावरकर के बारे में बात की। कहा कि वीर सावरकर को आप पूरी बारीकी से देखेंगे तो हिंदू और भारतीय संस्कृति के लिए उनका पक्ष और एक मजबूत विचारधारा है। वो प्रखर राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्वदेश, स्वधर्म और स्वभाषा के लिए पूरा संघर्ष किया। वो ऐसे व्यक्ति थे, उनके निधन के समय जब उनका शरीर निर्बल हो गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी काफी इलाज हो सकता है, लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए कहा था कि देश के लिए फिर से नया शरीर लेकर आऊंगा। जल और अन्न का त्याग कर उन्होंने प्राण त्यागे। ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की सोच सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है, ये अच्छा नहीं लगता। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले गुरुवार को ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने और डर से दया याचिका लिखने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के अकोला जिले के वाडेगांव में एक सम्मेलन में राहुल गांधी ने 1920 के सरकारी रिकॉर्ड्स के दस्तावेज दिखाए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उनमें सावरकर द्वारा अंग्रेजों को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र में से एक लाइन पढ़कर राहुल गांधी दावा करते हैं कि ये वीर सावरकर ने कही थी, लिखा था, सर मैं आपका नौकर बनकर रहना चाहता हूँ। राहुल गांधी के इसी अंदाज पर उनके खिलाफ सावरकर के पोते ने मामला दर्ज कराया है। रंजीत सावरकर ने शिवाजी पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराकर ये मांग की है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले पर भी इसी तरह के बयान देने के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर राहुल गांधी पर भड़के अमित शाह ने राहुल गांधी को सलाह भी दी। कहा, हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के विचार, देश के विचार, इन सबको एक तरफ रखकर भी उनकी दादी के भी बयान पढ़ लेते तो उनको पता चलता। दरअसल राहुल गांधी की दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर की तारीफ ही की है। उन्होंने तो 20 मई 1980 को एक पत्र भी लिखा था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा था, वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। इसके अलावा कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी ने सावरकर के निधन पर शोक भी व्यक्त किया था। इंदिरा गांधी ने सावरकर को क्रांतिकारी बताते हुए तारीफ की थी और एक बयान भी जारी किया था। इंदिरा ने कहा था कि सावरकर ने अपने कृत्य से देश को प्रेरित किया। और अब उन्हीं इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी वीर सावरकर का भरी सभा में अपमान करने से नहीं चूक रहे। क्या राहुल गांधी की विचारधारा अपनी दादी से भिन्न है? अगर भिन्न है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वो अपनी दादी इंदिरा गांधी की विचारधारा पर ही चलने का दावा करते हैं तो फिलहाल राहुल गांधी को यहाँ अमित शाह की दी गई सलाह पर गौर फरमाने की जरूरत है। वैसे आप राहुल गांधी को अमित शाह की तरफ से दी गई सलाह पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।